हाँ जी सुदर्शन जी पूजन के लिए तैयार हो जाइए। श्री चंदन पुष्प बहु विदराजे सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने साजे श्री प्रिया जी न पूजन विद कीजे फिर फिर मुख स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासनाएं घर मुख स्वरूप से नहीं काढ़े नजर नहीं कोई सुख समान अंगना तो कोट पे कुर्बान अंगना तो कोट पे कुर्बान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय बोलो श्री धाम के धनी की जय बोलो श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय बोलो श्री जी साहेब जी की जय बोलो श्री श्यामा महारानी जी की जय बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आइए सुदर्शन जी एकाग्रचित हो जाइए अपने ध्यान को युगल स्वरूप में श्री चरणों में केंद्रित कर लीजिए अपने श्रोता को बंगला साहब दरबार में ले चलिए। प्रारंभ होने जा रही है शिव पानी चर्चा परम आदरणीय लता जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रथम लागू दो चरण को तनिए न छुड़ाइयो किने लाग तली लावेडिया मेरे जीवन के चेयर वाले भी आगे आ सकते हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय कैसरी महामत हुक में दिखाया ऐसी करे हिकमत हम देखा इस देवरा बैठे बीच गिलवत बैठे बीच गिलवत सुंदर पहली प्रकरण की आखिरी चौपाई क्या बोल रही है हम देखिया इश्क देवरा कहाँ बैठ के खिलवत हम कौन ये कि हमारी परातम परातम कहाँ बैठी है फूल मिला लेंगे तो कह रहे हमने खिलवत में इश्क देवरा वही बैठ के देखा अर्श में इतना हमारे नाम जाएंगे क्योंकि सुरता हुक्म से जुड़ के खेल देख लिया सुरता ने और हुक्म से ही सुरता वापस हो जाएगी जिस दिन हमारे दिल में पानी बैठ जाएगी कानों से सुनना नहीं दिल में उतर जाएगी तो हर पल किसकी याद रहेगी किसकी बैठक रहेगी
क्योंकि राज्य के शब्द है, तो हर समय उनकी ही बैठक हमारे दिल में बैठ जाएगी, उनकी ही बात करेंगे। माया की हम करेंगे ही बात, हर समय बैठेंगे, चार सुनने साथ बैठे तो किसकी बात करेंगे, अपने गली की, क्योंकि हमें ये मौका मिला है एक इकट्ठे होने का। नाम बैठाना है राजी महाराज ने, ये इतना अच्छा सुनहरा मौका दिया कि चार जने बैठो, जो बात महाराज जी ने बताई उसको बंधन करो तो दिल में उतर जाएगी। तूने नाम सुनत नरक छूटत, क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों को राज्य ने खिलवत में बैठ के खेल दिखा दिया, उनका नाम हुक्म ने, उनका नाम हुक्म को दे दिया, हुक्म ने इन तनों का नाम ले लिया। सुंदर सा जी बीच में हुक्म है, उधर हुक्म ने लोगों का नाम लिया, कह रहे ना वाणी में और बारीक बातें ये सुनो कि किसने रू अल्लाह नबी हुक्म का नाम लिया, हुक्म का नाम लिया तो सब रूहों ने हुक्म का नाम ले लिया। सुंदर सा जी राष्ट्रपति है, एक हुक्म करता है तो वो सबके ऊपर है ना, सबके ऊपर लागू है। उसी तरह से वो एक हुक्म जो राजी महाराज ने अपने उनके दिल का अंग है हुक्म करा तो वो सबके ऊपर वो हुक्म आ गया। हुक्म आड़े आया, इलम आड़े आया, खेल दिखा दिया, खेल हुक्म इलम का है बस। रूहों को वही बैठे हम देखा इष्ट देवरा बैठे बीच, वही बैठ के इष्ट देवरा देख लिया। अब हमें लग रहा कि उन्हें लग रहा हम यहाँ के कनों को देखा, ये तन सोच रहे कि हम ब्रह्म सृष्टि, हम जाएंगे इतना सा फर्क है बस। हम रात को सो के सपना देखते हैं, सुबह उठ के सपने को अपने से अलग कर देते हैं कि ये तो सपना था, इसको अलग करते उसको अलग कर देते तुरंत। ऐसे ही उन्होंने ये ख्याल सपना देखा वहां बैठे और इस सपने को समझ में, सपने के तनों को आ गया कि ये बात किसकी है, मूल तनों की। उन्होंने इसके रबत उनसे हुआ, खेल उनको दिखाया, इलम उनको दे रहे, इष्ट की लीला उनसे है, आनंद की लीला उनसे है, या ना इष्ट है ना आनंद है। सुंदर साजी प्रेम है, वो भी अगर जरा सा कर ले प्रेम, असल प्रेम भी नहीं है, प्रेम का भी नाम है वो भी। हम क्या करते हैं, मुझे इससे बहुत प्रेम है, जरा सी कोई बात हो गई तो वो टूट गया, वो अखंड प्रेम है, वो भी यहाँ नहीं है। सुख व्यास कह नागवत में प्रेम ना धर्मन पास, प्रेम बसंत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रज रास। सुंदर सा जी वाणी पढ़ते हो, अब चौपाई आती है, अब जाग देखो सुख जाग में, अब जाग देखो सुख जाग में, ए सुख सुहागिन जो, ये किनका सुख है, ये सुहागिनियों का सुख है। तो कह रहे हम यहाँ संग, मैंने जाग नहीं कर ली, तूने जाग नहीं कर ली, उसने जाग नहीं करी, उसने करी, किसी ने नहीं करी, जागनी भी किसकी हो रही है, जिनको परामोश करा खेल दिखाया उनकी जागनी हो रही है, लेकिन इन तनों को इलम दे रहे हैं। तारतम लेते हम राजीव महाराज से सोच लेते संबंध हो गया, सुंदर सांसी जब तक वाणी में नहीं घुसेंगे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से कम पढ़ ले इस काम से सुनी से निकल गई दिल में ना उतरे तब तक कुछ नहीं। अब जाग देखो सुख जागनी के सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यम है भोग। तीन लीला, तीन लीला, तीन ब्रज रास और प्रतिबिंब, ये तीन लीला है, ब्रज की रास की प्रतिबिंब की, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को जन्म भोग परम धाम की, ब्रज की रास की और प्रतिबिंब की लीला का सारा इस वाणी में रख दिया खुलासा करके। सुंदर साजी और ये राज्य महाराज ने मेहर करके, क्योंकि इन तनों को, इन सुपर जीव को कहां से उन्होंने पकड़ा है, वहां से मूल से पकड़ा है, तो इनको नाम क्या दे दिया, ब्रह्म सृष्टि। लेकिन ब्रह्म सृष्टि है कहां, अर्श में, अब हमारे फोटो है तो क्या करोगे, उसको नाम दे दोगे, ये किसका है अंजू का, ये किसका सीमा का, ये किसका है ममता का है,
अब नाम मिला सेत, ये जो तन है इनको नाम मिला ब्रह्म सृष्टि का। तो अब कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि का नाम ही क्या करेगा। दुनिया नाम सुनत नरक छूटत, अब दुनिया का तो नाम सुनने से ही इस बेशक इलम से ही मुक्ति मिल जाएगी। सुंदर सा दुनी नाम सुनत नरक छूटत, दुनी तो नाम सुनने से ब्रह्म सृष्टि का नरक से छूट जाएगी। आगे चौपाई क्लियर कर रही है, दिल भी आगे अर्श का, दुनी नाम सुने नरक छूटत। इन्हों पे तो असल नाम अपने हम जो है अपने आप को दुनी नहीं समझते, क्या समझते ब्रह्म सृष्टि। नाम ही तो मिला है, ये दुनी है, ये अर्श का तन नहीं है, ये अर्श की रूह नहीं है, उसका नाम मिल गया इसको। तो दुनी में ये भी आते हैं, सब आते हैं, तो दुनी नाम सुने नरक छूटत। इनों पे तो असल नाम, जो अर्श की रूह है उन पे तो असल नाम है। दिल भी हक के अर्श कहा, उन्हीं के दिल को रजी ने अर्श कहा है, या की साहिबी अल्लाह कलाम, उसकी गवाही कहाँ लिखी है, राजी के शब्दों में उनके इलम में उनकी गवाही लिखी है। इलम भी हक दिया, अब इलम भी किसने दिया, हक ने इलम इसका राजी का। हम कहते मुझे बहुत इलम है, नहीं है, वो राजी का इलम है, और राजी का इलम बोलता है, उसी इलम को लेके सुंदर सा सुना देते हैं, क्योंकि ये धनी का इलम है, इसी की वाणी नहीं है, उस पे बहुत उसकी आंखें भीड़ है, उसकी आंखें भीड़ है। कोई आया कहने लगा किसी नाम लेके, वहां बहुत भीड़ है, मैंने कहा की भीड़ है, यहाँ की भीड़ है, वहां की भीड़ में कोई नहीं घुस सकता, उनको कोई नहीं ले जा सकता, वो राज्य के धन है, वो अखंड है, वो चरणों में बैठे है, उनको कोई नहीं ले सकता। तो बहुत भीड़ यहाँ इकट्ठी कर ले, क्या होगा, बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप, ये तो सपने के स्वरूप है, कह रहे बहुत किसके लिए करूं, ये तो सुपन स्वरूप है। बेहद मनज का होगा कोई साथी, एक लगे होसी टूक टूक तो कोई बिरला। बहुत भीड़ में मत समझो कि सब ब्रह्म सृष्टियों के तन है, उनके नाम के तन है। सुंदर साथ जी जो है वो अपने सदगुरु को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हम अपना अलग बना ले, अलग बैठ जाए, क्या मिलेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलना, क्योंकि हम नहीं देख रहे, भेड़िया इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन मेहर उनकी कहाँ होगी जो उनके चरणों में पड़ा है। आखिर तक उनके दर को न छोड़े श्वास निकल जाए, उनके दर पे ही अपना तन मन ध्यान रखे सुंदर साथ जी। तो ये दुनी नाम सुनत नरक छूटत, इनो पे तो असल नाम, असल नाम इसमें ब्रह्म सृष्टि में, वो जो राज्य के तन राज्य के चरणों में उन मिलाले में बैठे हैं। इलम भी हक दिया, इनमें जरा नाम सब कह रहे, इलम भी किसका है, राज्य महाराज का, बेशक है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो हम संवाणी पढ़ते कभी कोई संशय आपका ही है, और इलम कोई पढ़ोगे तो संशय आ जाएगा, लेकिन वाणी में कभी भी किसी चीज एक शब्द में संशय नहीं आता। सो क्यों ना करे फैल वतनी, करे कायम जो दे तब कहे। दुनी नाम सुनत, एक ही चौपाई चल रहा शब्द आगे तक, सो क्यों ना करे फैल वतनी, ये तो चौदह तबक को ये नाम कायम करेगा। तो जब नाम मिला तो काम भी नाम जैसे होने चाहिए, ये नहीं कि अगर हम जीव तो ठीक है जीवों की तरह रहेंगे, नहीं रह सकते, क्योंकि राज्य की नजरों में ये तन है, ये तन राज्य की नजरों में है, क्योंकि ये सुपन होत दिल भीतर, ये सपना जो उन्होंने दिल में रूहों को दिखाया तो ये उनके दिल में है। सुंदर साथ जी ये दिल के भीतर हो रहा है, तो वतनी को काम भी जो मिल गया
नाम भी मिला वतन का तो काम भी वैसा ही करना चाहिए। प्रतिदिन के जो असल तीनों हक बैठे खिलावत ये क्या है? प्रतिबिंब किसके? मूल तन के प्रतिबिंब है। मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं ही हूँ सुंदर साहब जी। जिस दिन मैं निकल जाएगी वाणी पहले समझ में आएगी तो मैं दूर हो जाएगी। कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई बुरा कह रहा, सबको हाथ जोड़ कर सबसे प्रेम करो। हमें किसी से नफरत नहीं करनी, यहाँ किसी को बड़ा ही बड़ापन मिलना ही नहीं। यहाँ के भगवान भी ऐसे जब शरीर छूटता तो सब ये रख लेते, एक तिनका नहीं ले जा सकते। तो फिर ये मैं तो जा ही नहीं सकती, राज्य की मैं समझ में आए तो फिर अपनी मैं मर जाएगी। क्योंकि अब जो यहाँ आए कौन लाया? धनी की मैं, हमारी मैं नहीं लाई। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा अपना, ये उनकी मैं लेके अपने चरणों में लाई है। तो उनकी मैं उनके सब दिल के अंग है, वो उनका काम करते हैं। लेकिन माया हुक्म सुंदर साहब जी हुक्म को सारा खजाना दे दिया, इलम दे दिया, लोगों का नाम दे दिया, वो लेके यहाँ हुक्म ही काम कर रहा है। हुक्म भी कहाँ बैठा है? वाणी में। कह देते हैं वहां से हुक्म उठ गया, वहां से हुक्म उठ गया, कभी नहीं। जहाँ स्वरूप साहब है वहाँ हुक्म है इस वाणी में। इसके अलावा तनों का हुक्म नहीं बैठा, सिर्फ तनों को देख के नाम दे दिया। कहा क्यों ना होए हक नजर है। आप कह रहे हैं जो प्रतिबिंब है तो वहाँ किसकी नजर है? कहा क्यों ना होए हक नजर, ये राज्य की नजरों में सब है, क्योंकि उन्होंने वहीं से नजर में लिया है। जो खेल हो दिखावत, अब खेल किसको दिखा रहे? परातम को। और कैसे दिखा रहे? उनके प्रतिबिंब दिखा के उनको इलम दे के मां पहुंचा रहे। जैसे सपने का ज्ञान हमारे दिल में आ जाता उस तरह से आड़ा पट भी हक दिया। आड़ा पट भी किसने दिया? खुद तो उन्होंने नहीं लिया, राजी ने आड़ा पट दे के ये खेल दिखाया। आड़ा पट दे खेल दिखाया, आड़ा पट दे खेल दिखाया, पट नाड़े हक सो हक को हक देकर कोई फरामोशी। रंजक कह रहे हुक्म का आड़ा पट दे के खेल दिखाया, राजी के सामने कोई पर्दा नहीं है। अब क्या सो हक को हक देकर जो वो तन है ना वो भी रंजी के है। सो एक है दो नहीं कर सकते। सो हक को हक देकर तो किसको? आप हरस परस रोए राज्य को देख रही, राज्य रूहों को देख रही। सो हक को हक दो तन किसके? राज्य के। नाम ही तो दे दिया ब्रह्म सृष्टि, तन तो उन्हीं के हैं। कह रहे तुम सब रूहे मेरे बनो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल एक योग पर एक योग कर पाओ बनना मिले जो शहूर करो सबने। तो उन्होंने सो हक को हक देकर ब्रह्म सृष्टि और राज्य तो वो आपस में देख ले सुंदर साहब जी। सो हक को हक देकर हुई परामोशी रंजन, कहने मेरे तन आड़ा पट भी हक दिया पहले ऐसा खेल सहूर में ले। अब कह रहे आड़ा पट राज्य ने ही दिया है, हक ने ही दिया, लेकिन पहले इस खेल को अपने दिल में दे लिया, इस खेल का विचार कर लिया। लिखा है मणि ग्रंथ में पढ़ लेना कि राज्य ने सोच विचार करा कि इनको तो खेल दिखाना, आप कैसे दिखाए? सब कुछ मणि ग्रंथ में लिखा है। तो पहले राज्य ने खेल सहूर में लिया, फिर रूहों के रक्षक के दिल में डाला। जो खेल आया हक सहूर में, जो खेल आया हक सहूर में, जो राज्य ने दिल में लेके विचार में लिया तो क्यों ना होए कायम के। ये तो पहले ही कायम हो गया, क्योंकि राज्य ने दिल में ले लिया तो ये तो पहले ही कायम हो गया। अब कायम हुआ क्या? रूहों की बात है, यहाँ का कुछ भी नहीं, यहाँ का मां नहीं दिखाएंगे। जो राजी ने इश्क रगत करा, अब हम जो यहाँ कर रहे हैं वो हमारे पर आता है पहुंच रहा है, तो राज्य हमसे बात करेंगे। किससे करेंगे? जीवों से नहीं करेंगे,
अपने तनों से बात करेंगे, जब पर्दा हट जाएगा उनका हुए इन खेल के कौन हुआ जो प्रतिबिंब हमारे असल तनों के आप पहली बहिस्त में पड़ेंगे तो कह रहे वो किसके खामंद होंगे खेल के, ये नहीं कि हमारा जीव कायम हो गए और खेल का खामंद बन जाना, नहीं लिखा है पढ़ लेना खुलासा। तो उसमें लिखा है कि कौन पहले असल रूहों के तनों का अक्स पड़ेगा, वो प्रतिबिंब जो असल तनों का प्रतिबिंब पड़ेगा आप जो वो खेल के खामंद होंगे, इनको अकड़ करेंगे तो उनको दुनिया कह रहे तुम्हारे नाम को पूछेगी। सुंदर सांचे अगर कुछ भी जरा सा भी गुनाह होगा तो फिर किस कहां पहुंचेगा, परातन पहुंचेगा पक्का। तो एक कुछ भी हमसे कोई गलती कोई गुनाह ना हो, सुंदर सास से प्रेम से बात करे प्रेम करे, यही समय मिलता किसको मिलता कौन निकलता, ये तो राज्य का हुक्म उठा के ले आता उनकी मेहर ले आती है। प्रतिबिंब मोमिनो नाम जो मोमिनों के नाम होंगे, अब कौन से मोमिनों के जो असल तन है, इनको तो बहिस्त मिलेगी जो असल मोमिनों का अक्स पड़ेगा, कल ये तो कर ले लेंगे, तो जो असल मोमिनों का अक्स पड़ेगा वो प्रतिबिंब जो होंगे वो क्या होगा, प्रतिबिंब मोमिनों के नाम दुनिया को अखंड कर देंगे, दुनिया नाम सुनत अब नरक छूटत, इनों पर तो असल नाम, इस पर नहीं असल नाम, असल नाम किस पर है जो हमारा मोमिन है। सो क्यों ना ले इसके अपना, सो क्यों ना ले, आप कह रहे जिनके नाम से नरक से दुनिया छूट जाएगी उनको यहाँ इश्क नहीं है, उन तनों को कह रहे सो क्यों ना ले इश्क अपना, जिन अरवा हुज्जत श्यामा श्याम, जिन अरवाओं की हुज्जत दावा है अपने धनी और श्यामा जी से वो अपना इश्क क्यों ना ले। बात सुंदर साथ जी पूरी वाणी में परम धाम की है, यहाँ नहीं घटा सकते, यहाँ घटी भी नहीं, अगर दो चौपाई पढ़ के हम यहाँ घटाएंगे तो आगे फिर बंद जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पूरा खुलासा कर रखा। तो कह रहे जो श्यामा श्याम है अपने धनी से उनकी हुज्जत है तो क्यों ना ले इश्क अपना, वो मुलतन है बड़ी बड़ाई इनकी जी इसके चौदह दबाक, कह रहे उनकी तो बहुत बड़ी बड़ाई है जिनके इश्क के नाम से चौदह तबक अखंड हो जाए, कर्म चलाए पाप किए करेंगे कर्म मिट देंगे और क्या करेंगे पाप कर लेंगे, किसको किसको पाप कर लेंगे। सुंदर सांची जो तो पाप है वो तो यहाँ आई ना गई वो तो पाप है, उसको तो एक शब्द भी नहीं लग सकता जिनको नाम मिल गए। तीन सबों को चाहे हक अब क्या करा, सबको अखंड कर देंगे मुक्ति दे देंगे, किससे रूहों के नाम देके बेशकिलम देके, इनों धोखा कैसा अर्श का, उनको तो अर्श का धोखा ही नहीं है क्योंकि उनका घर है वो तो धनी के तन है, वो तो चरणों में बैठे हैं, जिन सूरते खिलावे असल जिसकी सूरता को असल को राजे महाराज खिला रहे हैं वो यहाँ नहीं, वो तो चरणों में बैठी है उनको कोई धोखा भी नहीं है, इसको धोखा जब तक इसको शुद्ध नहीं है तब तक ये सोचता है ये सुपर चेतन कि मैं परम धाम का हूं कि नहीं हूं, मैं परम धाम की हूं कि नहीं हूं, कब तक धोखा रहेगा जब तक शुद्ध नहीं आएगी, जिस दिन शुद्ध आ जाएगी इसका भी धोखा मिट जाएगा, और उनको तो धोखा है ही नहीं क्योंकि उनको तो राज्य चरणों में बैठा के खेल दिखा रहे हैं, खिला के खींचे आप में क्या करेंगे खेल खिला दिखा के अपने में ले लेंगे, क्योंकि वो दूर कर ही नहीं सकता, अब सुरता को वापस कर लेंगे अपने में लेना, सुरता को वापस कर लेंगे। सुंदर सांची ये नहीं कि सबकी सुरता यहाँ है,
पोड़े बेले जासी बेले खेल देखना सबो एक बात कर सी खेल की जुदी जुदी लेकिन सुरता आगे पीछे जाए सुरता आगे पीछे जाए जिस दिन गुरु इलम हो गया पूरा उस दिन सुरता घूम गए सुरता घूम जाती है। तो इंद्रावती जी क्या कहते हैं तुम देखा तो मोहे इन इन मैं चौदह तब से दूर कैसे हुई सुरता गई अंतर्गत ब्रह्मांड के सदा साहेब थे क्या सुंदर। तो सुंदर साहब जी जिसने ये ले लिया जिसके दिल में एकदम बैठ गया उसकी सुरता मोड़ गई और सुरता काम गई अपने लिए। तो लिखा है जो गली में आगे चली जिमी बैठी मैं जिमी माए पांचों पहुंचे पांचों में रू अपनी असल छोड़े नाहे रू की जहां असल है रू वहीं मुड़ जाती है। तो असल में नकल असल में नकल इसको वापस सुरता को उधर ले लेंगे नकल असल जुदा की एक जरा है आधा पट असल नकल में सिर्फ जरा सा नेक नेक फरामोशी आड़ा पट है कहा सड़क से नजीक उनको तो सड़क से नजीक कह दिया दिन निपट है निकट कह रहे वो तो निपट निकट बेशक है कोई इस वजन से नहीं है इन सुपन दे माफक क्या कह रहे इन सुपन दे माफक हके दिल में किया सुपन दे माफक अब इसको नाम दे के इलम दे दिया ये हुक्म जैसा कहावत करे हुक्म जैसा कहावत जैसा बुलवाए जो करे तैसा बोले तुम्हारा ये अरस्तन का दिल जो अरस्तन के दिल को कहते कि जो उन मोमनों का दिल है सो दिल देखत है हमको वो दिल हमें देख रहा लेकिन बीच में हुक्म है डायरेक्ट नहीं देख सकता बीच में हुक्म है हुक्म के द्वारा देख रहा है प्रतिदिन हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन्हें दिल में सुपन हो दिल भीतर प्रतिबिंब तो इसलिए कह दिए वो कह दिए प्रतिबिंब हमारे तो कहे कि ये दिल उस दिल में है ऐसा खेल किया हुक्म महाराज ने अपने हुक्म से अपने चरणों में बैठा के ऐसा खेल दिखाया है हमारी उम्मीद पूर्ण हमारी उम्मीद मतलब इसकी नहीं उसकी उम्मीद पूर्ण करने के लिए हम सुख लिए अरस के गांधी सुख लिए आज के अपने घर के दुनिया में आए बेद दुनिया में आए बेद हम दुनिया में नहीं आए चरणों में बैठे लेकिन उन्होंने हुक्म के द्वारा वहाँ सारा सुख अर्श का दे दिया ना तो ऐसा वर्णन क्यों करे ना जो वाहिदत नूर जमाल ये तो वाहिदत की बातें हैं ये तो अर्श की बातें हैं खिलवत की बातें नहीं तो ऐसा वर्णन क्यों करते निस्बत है इसलिए निस्बती के लिए ये वर्णन कर दिया दुनिया इससे अखंड हो जाएगी ये बेशक इलम हुक्म इलम का खेल है बस ना कोई इनका नमूना अरे इनका तो नमूना भी कोई नहीं है कि किसी और को दे दे ना कोई इन्हें मिसाल ना इनकी किसी को मिसाल दे सकते हैं कि तू ब्रह्म सृष्टि है अर्श भाव की एक कंकरी हम कह रहे क्लियर कर रहे उन्होंने तो वाणी समझा दी खोल दी सारी वाणी समझ में आती अगर हम दिल देंगे पड़ेंगे दिल तो देना पड़ेगा सुंदर साथ ठीक है माया के तने माया में लगे लेकिन ये तो करना पड़ेगा दिल दे के पड़ेंगे तो कहीं जरा सा संशय नहीं अटकाओ दे पूरी वाणी ऐसे कोई के दे अर्श भाव की एक कंकरी तीन आगे एक अछवे नाहे तेरे अर्श भूम की जरा सी नेक तिल मात्र कंकरी कह रहे उसके सामने कुछ भी नहीं है तो क्यों दीजिए पक्का सुभान को सिफत इन जुबाए जो पक्का का सुभान है अखंड
बनी है, कह रहे उनको हम कैसे शब्द हमारे वहां पहुंचेंगे। अर्श जिनी सब वहदत है, दूजा रहे ना इनो नजर, कह रहे अर्श की जिमी कण कण सुंदरता से लेके सब वहां वहदत है, एक दिली है तो वहां दूनी की नजर नहीं जा सकती। जो भाई दोबारा पढ़ दो, अर्श जिमी सब वहदत है, दूजा रहे ना इनो नजर, की नजर में कुछ और दूजा रह ही नहीं सकता। जो रात होए काली अंधेरी, तू मिटाए तेरे फजर, वो तो ऐसे है, उनका इल्म तो ऐसा है कि अंधेरी रात को मिटा के फजर कर दे। हक की बात में कैसा ताजुब, दिन में ल्यावे रात और रात में ल्यावे दिन। तो कह रहे उनके इलम से ये अंधेरी मिट गई। अब मिट्टी किसकी, कोई जिमी की थोड़ा मिट्टी, दिलों की अंधेरी मिट गई। जिसके दिल में ये बेशक इलम बैठ गया, उसके दिल का अंधकार मिट गया। है हमेशा एक वहदत है, एक बिना चराना और माँ तो अर्श में एक वहदत है, एक के बिना माँ दूसरा कोई है नहीं। हम यहाँ कह लेते मैं तो राजी और रूह है, वो तो एक ही है। वो कह रहे मेरे ही कर लो, दूसरे नहीं हो। अंधेरे निमूना ना लगते, अंधेरे का तो निमूना भी वहां नहीं लग सकता, कैसे लगाएंगे, हमारे शब्द भी नहीं पहुँचते। अंधेर रखत है ठोर, अंधेर तो ठोर रखत है बीच में पर्दा, ये चौदह तबक कछुए नहीं, चौदह तब कछुए नहीं, ये कुछ है ही नहीं। जिसको हम हाय हाय करते उसके पीछे लगे, जितना मिल जाए उतने में सबर करो, उतने में शांति करो। जितना कोई प्रेम करे उससे प्रेम करो। सुंदर साजी नफरत किसी से नहीं कर रही। नफरत कहाँ जाती है, अगर हमारे दिल में नफरत तो वो चेहरे पर जाती सामने, तो दूसरा पढ़ लेता है वो भी कट लेता। सुंदर साजी प्रेम ऐसा है कि वो बाहर की चीज नहीं है। हम कहते हैं ना, मैं मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे बिंदु से बहुत प्यार है, मुझे ममता से बहुत प्यार है, मुझे नहीं है। उस प्यार प्रेम को प्रेम है, जो अंदर प्रेम है उसको प्रेम से प्रेम है, प्रेम प्रेम करता। हम कहते हमने देखा, आंखें कहती है तुमने कहा देखा, मैंने देखा। देखता कौन है, सुनता कौन है, एक मैं जो बीच में आ गई, मैंने देखा मैंने सुना तू है कौन। अगर पूछेगा तू है कौन, तुमने सुना तुमने देखा, तू तो मिट्टी है। सुनने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है। सुंदर साची वेदों कहा आकाश फूल, तो वेदों में लिख दिया आकाश फूल और झूठा दिखाई देता है, झूठा दिखाई दे रहा है, ये झूठा है, सपना है, दिखाई दे रहा है। जिस दिन राजी उनका पर्दा हटाएंगे, ये खेल तुरंत पकड़ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, क्योंकि धनी तो सब पे मेहरबान है। हमारे कर्म जला के पाप कर देंगे, अखंड कर देंगे। सुंदर साजी और वो तो अखंड है और उनके वो पाक है, रू तो पाक है, उसको तो यहाँ की छींटी भी नहीं लगी। या को अंकुर ना मूल है, इसका ना कोई अंकुर है कहीं से, ना इसका मूल है। सपने का संसार है, सपन से चला रहा है, सपने को आगे बढ़ाते चले गए। यहाँ हम भी हमारे बच्चे आगे, ये सब खेल सपने का है। किंतु वहदत कबू ना जाहिर है, कभी जाहिर हुई नहीं थी, लेकिन किसके नाम से जाहिर हो गई। झूठे हक को जाने क्यों कर, ये झूठे राजी कह रहे, एक को नहीं कह रहे, ये झूठा कर रहे, तो ये झूठे हक को कैसे जान जाएंगे। जानेगा कौन, जो सत है सत को सत पकड़ेगा। झूठ को झूठ पकड़ रहे हैं यहाँ, झूठ से चिपके पड़े हैं
और सत से वो जो सत है वो हटे ही नहीं है, वो चरणों में बैठे हैं। एक एक चौपाई मंथन कर करके पढ़ो, सर समझ में आएगी, ऐसा बेशक विलंब है झूठे। शुद्ध भगत क्यों ले सके जो उन्हें देखे नजर। हम कह रहे तो झूठे हैं ये वाइदत की शुद्ध कैसे ले सकते हैं, ये तो है उन्हों अगर वो देख ले तो नजर से उड़ जाएंगे, ये है क्या, इनके पीछे भाग रहे हैं। उतना करें करना है, जिम्मेदारी है, कायम नहीं होना, जितना जरूरी है उतना कर दो बस, उसके अलावा आगे छोड़ दो, क्योंकि छूटेगा तो एक दिन हमसे खेल गई, अभी यहाँ पे बंद हुई खेल छूट गया, किसके पीछे जाएंगे, किसी के नहीं। इसलिए जीते जी इस सुपन चेतन को भी धनी के चरणों में लगाए रखो, ये झूठा है बेचारा, सुपन हो तो दिल भीतर और नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किले ना दिखाए। तो ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा आया है जिसने सबको राज्य महाराज एंड में ये जागृत ज्ञान, जागृत बुद्ध, जागृत ज्ञान दे देगी। दर्शन जी पहले रूपों को उठा लेंगे, फिर इनको ज्ञान देंगे, फिर अक्षर को देंगे, खुलासा लिखा है, उसके बाद खेल खत्म। ये तो मिटने वाला है, ये झूठा है, ये सत को नहीं देख सकता। असल बात वहदत की अर्श करवाए जाने मोमिन, जो वहदत की असल बात है वो कौन जानता है, मोमिन जानते जो अर्श की अरवा है। इत हक सुद मोमिनो जाके असल रस में तन, अब जिनको ब्रह्म सृष्टि का नाम मिल गया, मोमिन का नाम मिल गया, जिनके असल तन अर्श में है, कह रहे जिनको नाम मिल गया हम लोग इसको ले लेंगे। अब तुम सुनियो मोमिनो अर्श बिने तुम्हारी बात, हम कह रहे मोमिनो तुम सुनो अपनी अर्श की बात, अर्श में क्या हुआ था वह तक कहे मोमिन जो रूहे असल हम जाते। वहदत किसको कहा, मोमिनो को, वहदत में कौन है, राजसरकार साहब की भी चर्चा में था, अर्श के किल्वत में हक की वाहिदत राज्य महाराज की, तो वाहिदत किसकी, राज्य की, लेकिन वो गई कहाँ, वाहिदत में श्यामा जी और फिर श्यामा जी से संपूर्ण, तो ये नहीं कि वाहिदत राज्य के दिल से है और फिर श्यामा जी से फिर लोगों में सुंदर साथ जी तुरंत, ये नहीं कि देर लगती है कि श्यामा जी को बता दिया रूहों को, नहीं वायदत तो रूहों को कह क्या, रूह अपने आप को कम थोड़ा ही बराबर है, जो सिंगार जो शोभा श्यामा जी की वो राज्य की, और जो राज्य की शोभा है वो श्यामा जी की। सुंदर साथ जी वहाँ दो नहीं है, हर चीज में वायदत है और एक मता रोहन का देखो अरस वाहिदत, ये वाहिदत रोहन की है, ये खजाना देखो कहाँ अर्श में वाहिदत में, ये वाहिदत का खजाना वाहिदत में है, रूहों में है, और वो कहाँ है अर्श में। लीजो मोमिन दिल में यह अरस नियामत, मोमिनो तुम अपने दिल में लो नियामत, कहाँ की है हकी अर्श की, परम नाम की नियामत खजाना राज्य के दिल का है। नैन एक रूके जो सुख लेने परवरदिगार, एक रूह माने श्यामा जी सुंदर साची, क्योंकि ये पूछते रहते एक रूह के सब वो हमारी श्यामा जी, तो जब एक रूह सुख लेती है इन सुख के सुख पहुंचे, इन सुख के सुख पहुंचे, क्योंकि रूहे वाहिदत है, दिल रूहों बारे हजार, एक रूह सुख लेती है तो इनके सुख किसको पहुंचते हैं बारे हजार को, तो एक वाहिदत है, एक तन है, वहां और राजी के बगैर कुछ नहीं, तो उन्होंने अपने तन रखे अपना आनंद
आनंदन में हम सब रुके, वो सुख राजी जैसे ही श्यामा जी को दिया सबको मिल गया, कहीं एक कमी नहीं, घटपट भी छोटा बड़ा नहीं, कम ज्यादा नहीं है। एक रूप बात करे हक एक रूप श्यामा जी जब राजी से बात करती है सुख ले रस रसदाए, सुख रस का रसना का रस लेती है बात करती है। सो सुख रूहो आवत श्यामा जी से कहा सुख आता रूहो में, सबको सुख मिलता वही दिल बारह हजार के माए, दिल बारह हजार के माए सबको वो सुख मिलता है। हक बुलावे रूह एक को जब श्यामा जी को बुलाते हैं सो सुख पावे अतंत, आपको क्या करते कितना सुख मिलता है अतंत बेशुमार उसका कोई शुमार नहीं है। सो बात सुने रूह हक की, अब जब वो राजी की बात सुनती है सब रूह है सुख पावत, सब रूह सुख पावत जब हमारे सुबान हमारे आदि बात सुनते हैं बात करते हैं वो मीठी मीठी बात करते हैं तो सब रूहों को वो सुख मिलता है। रूह सुख हर एक बात का हक सो अरस में लेवा, सुख रूप अर्श में लेती है। सुंदर सा जी हम उसको यहाँ नहीं बिठा सकते, सो सुख सुन रूहे सबे, अब उस सुख को सुन के सब रूहे दिल अपने देवता अपने दिल में फिर सब रूहों के दिल में आ जाता है, संशय आ जाता है। यहाँ यहाँ की बुद्धि है ना कि श्यामा जी को क्यों देते पहले, तो उनके आनंद अंग हम उनके आनंद अंग और वाइंडअप है एक है। सुंदरता जी वहाँ घटबंध नहीं है, सबसे एक ही प्रेम राज जी का है। तो हके कहा अरस अपना मोहनों का जो दिल, अब जब हाथी का दिल अर्श है तो सारे मोहनों का दिल अर्श है, क्योंकि एक वो वाइंडअप है एक वाइंडअप में है। तो सब लाए वाइंडअप में, सब वाइदत में हर चीज की वाइदत है वहाँ, ये नहीं कि रूह की वाइदत है, हर चीज की वाइदत है। जो यो सुख लेते हिल मिल, जो यो सुख लेते हिल मिल। प्राणधार सुंदर साहब जी अब समय पूरा होता है कृपया मिल करके चुपाई करें। जो यो सुख लेते हिल मिल,